Hello students, how are you? So today we will do the back exercises of chapter 8 Anmol Vachan from your Hindi literature book Sunehri Dhoop. Well, let's do the Shabdarth first. Chapter 8, page number 65. So first word is Bani. Bani means Vani. Correct word is Vani. It means voice. Bhakhen, khaen, to eat. Parmarath, actual word is Parmarth. Dusron ke liye kiya jane wala karya. Means the work done for the welfare of others. Dhara, dharan kiya. You can say contain of or adopted. In these dohas, here it is took birth, sadhan dhara sharir means took birth. Parlay, pralay means destruction. Vitha means actual word is vyatha, means dukh, sorrow. Jure, jude, to join. Phiri phiri, bar bar, again and again. Muktaha, motiyon ke haar, means pearls necklace. Brich, ped, actual word is vriksh, ped, tree. Sanchay, ekatr karna, to collect. Sanchay, actual word is sanchit karna. Sadhun means sadhu, achhe log, gentleman. Then yeah, or good people. Kal, kal means tomorrow. Bahuri, phir, again. Itlehen means mazak udana, itrana, means making fun of others. Sujan, actual word is sajjan, means achhe log, again good people. Poiye means piroye, jaise mala pirote hain, means to thread. So ab hai, next is paath ko samjhe. In this, first is दोहों के आधार पर सही अर्थ पर टिक लगाओ. सो यू हैव रेड द दोहास. सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग हेयर लाइन इज गिवन, नदी न संचय नीर. सो यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हेयर. सो नदी न संचय नीर मीन्स नदी अपना पानी संचित नहीं करती, कलेक्ट नहीं करती. फॉर वॉट द ऑप्शन यू विल सेलेक्ट, बेस्ट करेक्ट ऑप्शन यू विल सेलेक्ट फ्रॉम हेयर. आई विल रीड द ऑल द ऑप्शन. नदी खेत नहीं सींचती है, इट्स रॉन्ग. नदी प्यार बरसाती है, इट्स ऑल्सो रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लेसन. नदी आग बुझाती है, इट्स ऑल्सो रॉन्ग. नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, दिस इज करेक्ट. तो पुट टेक ओवर हियर अकॉर्डिंग टू दिस दिस दोहास इन दिस हेयर, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, दिस इज करेक्ट ओनली. द नेक्स्ट इज काल करे सो आज कर. इट मीन्स जो कल करना है उसे आज ही कर लो. सो इस तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉम हेयर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. जो कल करना है उसे आज कर लो. सो दिस हेयर यू कैन पुट टिक. थर्ड इज सुनी इटले हैं लोग सब. सो सुनकर सब लोग इतराते हैं, मीन्स मजाक उड़ाते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज लोग सुनकर मजाक उड़ाएंगे, सेकेंड वन इज करेक्ट. सो पुट टिक ओवर देयर अगेंस्ट सेकेंड ऑप्शन. सो नेक्स्ट इज प्रश्नों के उत्तर. सो फॉर दिस आई विल रीड द क्वेश्चंस आल्सो फॉर यू. पहला प्रश्न है मौखिक में से, वृक्ष और नदी क्या नहीं करते. सो उत्तर है अकॉर्डिंग टू द दोहास, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती. वह पानी जो अपना दूसरों के लिए एकत्र करती है. सो अगला प्रश्न है, हमें किसी से भी अपने संबंध क्यों नहीं खराब करने चाहिए. उत्तर, हमें किसी से भी अपने संबंध इसलिए खराब नहीं करने चाहिए क्योंकि ये संबंध यदि एक बार खराब हो जाएं तो फिर कभी पहले की तरह मधुर नहीं हो पाते. ठीक उसी तरह जैसे टूटे धागे को गांठ लगाकर जोड़ तो लिया जाता है, पर वह गांठ हमें यह एहसास कराती रहती है कि यहाँ से धागा टूट गया था. तो तीसरा प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए. उत्तर,
हमें सदा अहंकार रहित मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती है। आगे हैं लिखित प्रश्न। पहला है, मन की व्यथा को मन में रखना उचित क्यों है? उत्तर, मन की व्यथा को मन में रखना उचित इसलिए है क्योंकि हमारी व्यथा को सुनकर कोई उसे बांटता नहीं है, बल्कि सब मजाक उड़ाते हैं। साधुओं ने शरीर क्यों धारण किया है? उत्तर, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल दूसरों के लिए उत्पन्न करते हैं और नदियां अपना जल दूसरों के लिए संचित करती हैं, उसी प्रकार साधु भी परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो सज्जन हमसे रूठ गए हैं उन्हें फिर से क्यों मना लेना चाहिए? उत्तर, जो सज्जन हमसे रूठ गए हैं उन्हें फिर से इसलिए मना लेना चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए मोतियों की भांति कीमती होते हैं। मोती मीन्स पर्ल्स। जिस प्रकार हम मोतियों की माला के टूट जाने पर उसे बार बार पिरोते रहते हैं, उसी प्रकार हमें रूठे सज्जनों को भी मनाते रहना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, हमें अपना काम कब करना चाहिए? उत्तर, हमें अपना कल का काम आज और आज का काम अभी कर लेना चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब प्रलय आ जाए और तब हमें वह काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। अब इसके बाद आपका भाषा को समझें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, शब्द के शुद्ध रूप पर टिक लगाओ। तो यहाँ पर क में जो पहला शब्द दिया है पानी, ये पोएटिकल लैंग्वेज में है तो ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट वर्ड पर आपने टिक लगाना, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन, वाणी, उस पर आप टिक लगाएंगे। उसके बाद है ब्रिज, ब्रिज नहीं होता, वृक्ष होता है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा है शीतल, शीतल को शुद्ध रूप में शीतल कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन अगेन पुट टिक ओवर हियर। प्रलय, प्रलय, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कोए, कोए मीन्स कोई, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगला है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताओ, मीन्स जेंडर्स यू हैव टू राइट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है वृक्ष, वृक्ष होता है पुलिंग, धागा अगेन पुलिंग, साधु पुलिंग, गांठ स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग, प्रलय स्त्रीलिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू सून विद सम अदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।